इंडियन क्रिकेट टीम जो पिछले 10 साल से कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीत सकी है। मेन इन ब्लू 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हर एक आईसीसी इवेंट में जोरदार दम भरती है, लेकिन बड़े मैच यानी सेमीफाइनल और फाइनल में इनको नजर लग जाती है। ये वो नजर है जिसे अब तक उतारा भी नहीं जा सका है। 10 साल से जो टीम इंडिया ग्रहण का सामना कर रही है वो एक बार फिर से लग सकता है, क्योंकि एक बार फिर से टीम इंडिया को टॉप 4 या फाइनल में नजर लग सकती है, क्योंकि इंडिया के बड़े मैच में एक पनौती की एंट्री होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कह रहे हैं, क्या नजर, क्या पनौती, ये सब क्या बोल रहे हैं आप। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद भी आप इस पनौती को मानने से इनकार नहीं करेंगे। टीम इंडिया के लिए जिस पनौती की बात हो रही है वो है अंपायर रिचर्ड केटलब्रा, आईसीसी के मौजूदा वक्त के सबसे एक्सपीरियंस अंपायर रिचर्ड केटलब्रा। अब तक तो गायब थे लेकिन अब उनकी एंट्री हो चुकी है। केटलब्रा 24 जून को टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया से होने वाले मैच में अंपायरिंग करेंगे। इसके साथ वो एक सेमीफाइनल के अलावा फाइनल में भी नजर आने वाले हैं, यानी वहां पर भी टीम इंडिया के विनिंग ट्रैक पर ब्रेक लग सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि रिचर्ड केटलब्रा क्यों है टीम इंडिया के लिए पनौती। इस अंपायर को पनौती न कहें तो क्या कहें। जब से वे आईसीसी के एलिट पैनल में आए हैं और 2014 से जिस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के बड़े मैचों में अंपायरिंग कर रहे हैं वो मैच टीम इंडिया हार ही रही है। जी हाँ दोस्तों, 2014 से लेकर अब तक यानी पिछले साल 2023 तक टीम इंडिया के आईसीसी टूर्नामेंट के सभी नॉकआउट मैच में रिचर्ड केटलब्रा अंपायर रहे और हर एक मैच इंडिया हारा। इस तिलिस्म की शुरुआत 2014 में हुई। T20 वर्ल्ड कप 2014 का फाइनल मैच केटलब्रा अंपायर और इंडिया हारा। 2015 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केटलब्रा अंपायर और इंडिया हारा। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी इस अंपायर की मौजूदगी में वेस्टइंडीज से सेमीफाइनल हारा। 2017 के चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल केटलब्रा अंपायर, हम पाकिस्तान से हारे। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में इंडिया को न्यूजीलैंड ने हराया, इस मैच में भी केटलब्रा अंपायर थे। और इसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2021 और 23 के फाइनल मैच केटलब्रा अंपायर इंडिया नहीं जीत सका। आईसीसी इवेंट और आखिर में 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार, अंपायर फिर से वहीं थे रिचर्ड केटल। यानी पिछले 10 साल में 8 आईसीसी इवेंट जो नॉकआउट मैच इंडिया ने खेले हैं उसमें सभी हारा। तो फिर इस अंपायर को क्यों न कहें पनौती। अब एक बार फिर से बड़े मैच में इस अंपायर की एंट्री ने फैंस को डरा दिया है। तो दोस्तों, क्या आप सच में मानते हैं केटलब्रा पनौती, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या इंडिया इस बार इस पनौती को तोड़ने वाला है, ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बताइएगा।